हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मायास हिंदी। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको हीरा फार्मेसी ब्रांड के भ्रामरी स्वरस के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि भ्रामरी स्वरस आपके बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होगा। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोज, इन सबके बारे में। तो गाइस यदि आप मानसिक कमजोरी या तनाव और चिंता से परेशान हैं, मानसिक कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, एकाग्रता में सुधार करना चाहते हैं, स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपन बात कर लेते हैं हीरा ब्रांड के भ्रामरी स्वरस के बारे में, जो कि गाइस मार्केट में आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जिसका उपयोग गाइस आपके मानसिक कमजोरी को दूर करने में किया जाता है और आपके तनाव से राहत देता है और आपके शरीर को हेल्थी और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा। इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए, बल्कि ये आपके शरीर को हेल्थी बनाए रखने में मदद करता है। इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट गाइस भ्रामरी है, जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट माना जाता है, आपके मानसिक तनाव को दूर करता है और शरीर को हेल्थी बनाए रखने में मदद करेगा। डोज की बात करें तो गाइस ये जूस फॉर्म में है, तो अगर आप इसे इस्तेमाल में लें तो सबसे पहले अच्छी तरीके से शेक कर लें, हिला लें, जिससे कि पूरा लिक्विड इक्वल हो जाए और इसके इंग्रेडिएंट आपके शरीर के अंदर आसानी से पहुंच सके। डोज गाइस आपको थोड़ा सा ये जूस लेना है, इक्वल मात्रा में पानी मिलाकर के आपको इसका सेवन करना है। या फिर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट हो रहा है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से सेवन करना है, किस तरीके से नहीं करना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना ही आप इसे ओवर डोजेस लें। गाइस यदि आप पहले से किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं या फिर आप अन्य प्रकार की दवाई या टेबलेट या जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं मानसिक कमजोरी को दूर करने के लिए, तो इसे इस्तेमाल में लेने से पहले गाइस आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना होगा। डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना, ना ही आपको ओवर डोजेस लेना है। प्राइस की बात करें तो कोई फिक्स प्राइस नहीं है गाइस, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जैसा भी दोस्तों आपको सही लगे आप इसे वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। याद रखें गाइस, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देखे बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली बात है कि उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ, जो भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो एक बार आप इसे इस्तेमाल में लेके जरूर देखें। अगर आप मानसिक कमजोरी जैसी समस्या से परेशान हैं, मानसिक कमजोरी से राहत पाना चाहते हैं, तो सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे, और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन भी दूर होता रहे। फिर भी गाइस यदि आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अन्य प्रकार की कोई भी जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।